गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों का सब्जेक्ट बैंकिंग ऑपरेशन जो कि आप लोगों के बीकॉम फर्स्ट के सेकंड सेमेस्टर में आता है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। उसका एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मुद्रा का समय मूल्य क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसे आप लोगों को लाइन से ये लाइन आपकी जो लिखी हुई टॉपिक लिखा हुआ है उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी की टाइम वैल्यू क्या होती है, समय का मूल्य क्या होता है। जैसे आपने किसी को आज 500 रुपए दिए और 500 रुपए देकर आपने मतलब आपने दिए क्या देंगे दोबारा, पहले वो आपसे पूछेगा कि भैया 500 रुपए दे क्या, तो आप कहोगे पहले कहोगे नहीं, आप नहीं आ सकोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो उस 500 रुपए को लेके वो रिस्क है आपके इस नहीं के पीछे कि पता नहीं वो 500 रुपए वापस देगा कि नहीं देगा। अगर वो देगा भी तो उसका इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा ये आपको नहीं मालूम। तो उस रिस्क को क्लियर करने के लिए अगर आपने उससे कहा कि हम ये 500 रुपए देंगे बट हम परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट के परसेंटेज के हिसाब से देंगे, अब वो पूछेगा आपको कितना, तो आप कहोगे 5% परसेंटेज के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे और हम आपको 500 रुपए दे देंगे, तो वो रिस्क जो है थोड़ा सा कम हुआ आपका टाइम वैल्यू। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो चीज जैसे मान लीजिए आज आपने 500 रुपए खर्च किया, क्या 500 रुपए की वैल्यू आज जो है वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वैल्यू को आप लोग जो 10 साल पहले आप लोग 1 लाख रुपए आपके पापा या कोई कलेक्ट करके रखे होंगे या जो भी है कहीं यूज हुआ हो, तो 1 लाख की वैल्यू थी 10 साल पहले, आज के जमाने में 1 लाख की वैल्यू नहीं है। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी कि वैल्यू जो है 1 लाख की समझ में आ रही, बट अगर वो 1 लाख रुपए आपने 1 साल पहले दिए थे और 5% की ब्याज दर के हिसाब से आप उससे वापस लोगे तो 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000 रुपीज। अगर हर महीने 5,000 रुपीज से ले रहे हो तो कितना लिया आपने, 60,000, 1,60,000 आपको 1 साल बाद मिलेगा, मतलब उस 1 लाख की वैल्यू 1 साल बाद कितनी है, 1,60,000 रुपए है। ठीक है, इसमें एक टर्म्स आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो कि 4 टर्म्स हैं जो कि आपको पढ़ना है जानना बहुत जरूरी है। पहला था आपका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू माने जो हमने 500 रुपीस आज दिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर वैल्यू जो कि आपको पलट के मिले। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू जो कि आपको रिसीव हुए 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी आपको टाइम आपने दिया है उसको। नेक्स्ट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी परसेंट के हिसाब से हो सकता है। एंड फिर आता है आपका point, 0.0
0.03, ठीक है, 0.03 एंड n कितना है हमारा 2 इयर्स। फ्यूचर वैल्यू 2 इज 2 10,000 1.0003, 0301, ठीक है, 1.03। फ्यूचर वैल्यू 2 इज इक्वल टू, अगर आप इसको कैलकुलेट करें कैलकुलेटर के थ्रू तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। एक सेकंड में फिर से कर लेती हूँ, कुछ क्लियर नहीं है अभी हमें।
एनएमबी टॉपिक, इसको बोलेंगे एनएमबी, क्या है इसको हिंदी में बोलते हैं वार्षिकी। और इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो रहा है इसी टॉपिक पे। इसके दो मेन टॉपिक्स थे जो कि आपके क्लियर हो गए।